हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रमाकांत एंड वेलकम टू आरके ट्यूटोरियल। तो सांग माने आशा करूछि भल थिबो। सांग माने आज आम माने गोटे नुआ सीरीज स्टार्ट करबा को जाऊ होछे तमनकर इंग्लिश ग्रामर सेक्शन रो बुक नंबर 3। तो सांग माने प्रथम आम माने राइटिंग स्किल जानी रखिबा, ता पर पर बुक 4 आम डिस्कशन करबा जहा भी तमरो सिलेबस रे रहिछि। तो सांग माने तमनकर स्पेशल रिक्वेस्ट ला कि सर आमको बहुत भल भाव की पॉइंट रे वन बाय वन ट्रिक बाय ट्रिक पॉइंट बाय पॉइंट मानक इंग्लीश ग्रामर बुझाओ, कहीं तुमने एबे भी कौटि ना कौन सांग माने राइटिंग स्किल रे कन्फ्यूज अच्छ। तो सांग माने अपेक्षार अंत हो गला, मु तुमको कही रखुची बुक नंबर 3। तो सांग माने चैप्टर नंबर 1 जहाँ हो राइटिंग ए पाराग्राफ। तो सांग माने आम माने एथिरे बुक रु कोनसी भी एक्टिविटी कोनसी पॉइंट डिस्कशन करबेन, तुमको पाराग्राफ लेखिबार ट्रिक एवं सांग माने लास्ट रे मध्ये गुटिए पाराग्राफ तमन को सहित मु डिस्कशन करबी, गुटिए एग्जांपल डिस्कशन करबी। एही वीडियो टी सांग माने लास्ट रे देखो, मोर स्पेशल रिक्वेस्ट तमन को तमनकर केबे भी कोनसी पाराग्राफ लेखिबार आउ डाउट रहिबो नाही। सांग माने पाराग्राफ कहिला आमे कोन बुझिबा, मन रख ए पाराग्राफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, एज ए सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, हाउएवर ऑल कॉम्बिनेशन डू नॉट मेक ए पाराग्राफ और ए सेंटेंस। तो सांग माने कोनसे को पाराग्राफ पा कहि परबा अनुच्छेद हेउची वाक्य रक मिश्रण, जेतु वाक्य हेउची शब्दर मिश्रण तेनु कर आमे हकु एक मिश्रण बोली कहि परबा। काई कि सांग माने वाक्य कोन, सांग माने वाक्य कहा कुनी गठता मान जानिछे, जेमिति कि आमे सेकंड वीडियो लेक्चर सांग माने तमन डिस्कशन करथिलम तमनकर आर्केसर इंग्लिश से तमन जानिथिबो क्लॉज कोन आमे कहि परे, सांग माने सबोर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सांग माने फ्रेज सब आम आलोचना कर सारी। से रिक्वेस्ट करे सांग माने सेकंड चैनल सब्सक्राइब करके से जहाँ भी तुमको एडवांस ग्रामर सेक्शन दि जाए तुम देखि रख। ओके सांग माने बहुत गुड़ाए कहीपर छोट बड़ वाक्य को सरल वाक्य जौगिक वाक्य आम कहीपर जटिल वाक्य को लेकिन आम कौन पारा गठित होता है सांग माने आम मिश्रण भी कहीपर कि गोटे कथा मन रखी तथापि समस्त मिश्रण एक अनुच्छेद किंवा वाक्य तैयारी करना है। यदि भी आम कह मिश्रण गोटे करदे मिसे मसे जहाँ मैं लिखिद ता गोटे पाराग्राफ हो सांग मैं ताइपर ना कहीं तार अर्थ ही प्रकाश करवा दरकार जमी आम आज सिक्वेन्स व्वज आज ए ग्रामाटिकाली मानर आम जब खंजा ताकि प्रकार अर्थ को प्रकाश करें एक पाराग्राफ हो वाक्य मिश्रण जेहेतु वाक्य हो शब्द मिश्रण तथापि समस्त मिश्रण एक अनुच्छेद किंवा वाक्य तैयारी ना। तो सांग माने आम माने मन रखा उचित जे कौनसी भी पाराग्राफ आम लिखा बेले सांग माने तीनोटी पॉइंट को बेसी ध्यान देवा। हाँ सांग माने तीनोटी पॉइंट कौन कौन गोटे हूँ इंट्रोडक्शन आ गोटे बॉडी बा आम जहाँ को डिस्क्रिप्शन बोली कही था लास्ट हूँ कंक्लूजन। तो सांग माने तीनोटी कौन आम बर्तमान आलोचना करवा जमीक स्लाइड बर्तमान देखिपार सांग माने ए तीनोटी को छाड़देले आम मैंने बाकी 10 पॉइंट को टिके मात्रा रे कहीपर कि मात्रा रे माने कौन ध्यान रखा जमीक कौन वाक्य आम जो आलोचना करवा कि सेन्टेन्स कह मैंने कि सेन्टेन्स लिखा कि सेन्टेन्स बुझा कि सेन्टेन्स को सब मैंने मदर टंग आमर मैंने कहीपर मातृभाषार आम मैंने कौन ताकि ट्रांसलेट करने ट्राए करवा आम बेटर भाव अंडरस्टैंडिंग पार। तो सांग माने कि सेन्टेन्स कौन जमीती कि एग्जाम्पल कहीपर मु बाजार को गली बाजार फल किणी। तो सांग माने यह हूँ की सेंटेंस केमी मुझे बाजार को गली सांग माने कहवा भितर मुँ कहली कि मु चप्पल पिंधिली मोटरसाइकिल बाहर कली गाड़ी की स्टार्ट कली तापर बाजार में पहुँचिली फल दुकानी कली फल ओजन कला पैसा दिल्ली सांग माने एगुड़ा बेकार किसी लिखबार बिल्कुल भी प्रश्न उठा ना तो मैंने कौन कर की सेंटेंस लिखो जो थे संपूर्ण रूप से आंसर कन्वे होपर है यूनिटी माने कौन सी वाक्य को तुम लिख तार संपूर्ण रूप से अर्थ प्रकाश कर अर्थ सहित सांग माने यूनिटी वाक्य कहीपर कौन पाराग्राफ मैंने अनुच्छेद गोटे वाक्यर संपूर्ण रूप से एकता को दर्शे पार्बर आसो सांग माने पंक्चुएसन कौटी कमा लगभग थी कौटी सेमिकोन लगे कौन सांग माने पूर्णच्छेद लगे ये सब तुमने गुरुत्वपूर्ण भाव ध्यान रखा बाकी सांग माने ऑर्डर क्रम क्रम सांग माने कौन जमीक मुझे मुझ बाजार को गली फल किणिली। तो सांग माने फल किणिली बजार गली हो पारे तो मैंने प्रथम लिखा पड़ो जो बजार को गली तापर फल किणिली घर को फेरली। तो सांग माने तीन टा जाक क्रम रहा जरूरी मुझ घर को फेरली फल किणिली बजार गली सांग माने सेमित हो पारे तो अर्डर तुमको सांग माने मन रखा पड़ो ता सहित लॉजिकल लॉजिकल सांग माने कौन संपूर्ण रूप तर्कयुक्त होने
ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ବଜାର ଗଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇପାରିବ କି? ଅସମ୍ଭବ କଥା, ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ମଣିଷ ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ ଦେଖିପାରିବ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ସେନ୍ସ ଲଜିକାଲ ହେବାଟା ଗୁରୁତ୍ୱଭାବ ରଖିବ। ବାକି ରହିଲା ପାରାଗ୍ରାଫ ଆଉ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ବି ଚାହିଁବ, ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କର ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ପଢ଼ିବ, ଯିଏ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ୱାଇଜ୍ ପଢ଼ୁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ୱାଇଜ୍ ବ୍ରେକ୍ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ବେଟର ଭାବରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମିଳିପାରିବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସାତ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଜି ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଫର୍ ରିଡର୍ସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାକୁ ଚାହିଁବ ଯେମିତି ସରଳ ଏବଂ ସୁଶୀଳ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାଷାରେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଠ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେନ୍ସ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ଟି। ଅଧା ଅଧୁରା ଅର୍ଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ମିଳିଯିବ ବା କହିପାରିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ମାନେ ସେମାନେ ନାପସନ୍ଦ କରିବେ ଯିଏ ବି ରିଡର୍ସ ହେଇଥିବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗମାନେ ସରି ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଟେନ୍, ଫୁଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ଼, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ କହିପାରିବ ଯେଉଁଠି ମାନେ ପାରାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ, ଯେଉଁଠି ଶେଷ ବାଦ ହୋଇଥିବ, ମଝିରେ ଯାହା ବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବାଦ ରହିଥିବ, ଫୁଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏସବୁ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଦଶଟି ଯାକ ତୁମମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବ, ତାପରେ ହିଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ବଡ଼ି କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଆମେ ଭଲସେ ଲେଖିପାରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କ'ଣ। ପଏଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆମେ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିବା, ଜାଣିବା, ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରଖିଛୁ ତୁମ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକିଏ ଲେନ୍ଦି ହେବ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୂଳ ସହିତ ଦେଖ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଲେଖିବାରେ କେବେ ବି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୋର ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଓକେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦି ଟପିକ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ପାରାଗ୍ରାଫ୍, ଇଟ୍ ଓପନ୍ସ ଦ ପାରାଗ୍ରାଫ୍। ଦି ଟପିକ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଦି ମେନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଦ ପାରାଗ୍ରାଫ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ସୋଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ହୋଲ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିଷୟର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁସଦର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ। ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ଆମ ବିଷୟର ବାକ୍ୟ ଲେଖୁଛେ, ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁଛେ, ତାହା ଅନୁସଦର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଏହା ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଖୋଲିବ ଯେତେବେଳେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବା ଦରକାର ଯେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଅଛେ। ବିଷୟ ବାକ୍ୟଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଦର୍ଶାଇବ। ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଲେଖିବା, ସେ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଜଣେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ କନ୍ଭେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କାହା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ବା ରିଡର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସସ୍ପେନ୍ସ ନ ରହିବ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବୁଝା ପଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପୁରା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି କ'ଣ ଅଟେ। ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ି ବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ମିଳିବ, ତା ସହିତ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବଡ଼ିରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ବା କହିପାରିବା, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବଡ଼ି ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କ'ଣ ନା, ସପୋର୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଦ ଟପିକ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇନ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ଦେ ଗିଭ୍ ମୋର୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଟପିକ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ସପୋର୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଡିଟେଲ୍ସ ଅର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାକ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସହାୟକ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ବଡ଼ି ବା ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ କହିଥାଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତାହା କ'ଣ କରିବ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେ ବ୍ୟବହୃତ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିବ ନା, ସାଙ୍ଗମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବ ବାକ୍ୟର ଥେମ୍ଟା କ'ଣ, ମୁଖ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁ କ'ଣ, ବା କହିପାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରାଗ୍ରାଫର କଥାବସ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ସେମାନେ ବିଷୟ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ବିଷୟ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ପାଇପାରିବା। ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତଥ୍ୟ, ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ ବା ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରେ। ମାନେ ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟପିକ୍କୁ ଗୋଟିଏ କହିପାରିବା, ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ କରିଥିବ, ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଥିବ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ନା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦେଇଥିବ, ବିବରଣୀ ଦେଇଥିବ, କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବା କହିପାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା। ଦି କନ୍କ୍ଲୁଡିଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇନ୍ ଦି ପାରାଗ୍ରାଫ୍, ଇଟ୍ ୟୁଜୁଆଲି ରିଷ୍ଟେଟ୍ସ ଦ ଟପିକ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆର୍ ସମରାଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାରାଗ୍ରାଫ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମାପ୍ତ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଶେଷ ବାକ୍ୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିବା ଯେତେବେଳେ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ରେ, ତାହା ସାଙ୍ଗମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଶେଷ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦରେ ବିଷୟ ବାକ୍ୟକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରେ କିମ୍ବା କହିପାରିବା କୌଣସି ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆଦେଶ କରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁହାରୀ ଏସବୁର ସେନ୍ସ ସହିତ ଆମେ
कंक्लूजन पॉइंट लिखि परबा कहि परबा जदी कोनसी टॉपिक हेतिबो जहा सांगमन कोनसी एसे हेतिबो सेतिर कोन किछि किछि लास्ट पॉइंट रे माने की पॉइंट्स को स्थान देथे जहा फल रे संपूर्ण कन्वे होतिबो जे कंक्लूजन पॉइंट रे आ माने जहा भी छाडी छै ता भितरु किछि लिखा जाछि जार संपूर्ण अर्थ कन्वे करा जाउछि। त सांगमन समाप्त वाक्य द्वारा आमे माने कहि परबा समाप्त अनुच्छेद द्वारा समाप्त लाइन द्वारा माने वाक्य को रिस्टार्ट करपर वाक्यर सारांश को समराइज करके स्क्विज करके पुनरावृत्ति द्वारा लिखि पार। तो सांग मैंने बर्तमान स्क्रीन पर तुम गोटे एग्जाम्पल आसो तुम सांग मैंने एग्जाम्पल तुम देखी सारापर मुझ तुमको कहूँ जी एग्जाम्पल देखिए जो कौन से स्टूडेंट से मत ह्वाट्सअप मेसेज कर संपूर्ण रूप में जहाँ भी लिखा अच्छी स्लाइड्रे ओडिया इंग्लीश तुम पीडीएफ मुझे प्रोभाइड करदेवि सांग मैंने लिखा पड़ो ह्वाट्सअप कि सार आमको हाउ टू पाराग्राफर मानने कौन पीडीएफटा को पठे दियो मो सांग माने पठे देबी। ओके बहुत बहुत धन्यवाद सांग माने बर्तमान आलोचना करबा गोटे एग्जांपल चलो देखिबा सांग माने स्लाइड रे गोटे एग्जांपल रखा जाछि तमन क्लियरली विजिबल होतो मोर आशा जदि भी विजिबल सांग माने हेउनी ताले फोन को हॉरिजॉन्टली करकी देखो तमन को क्लियरली विजिबल हे पारिबो। सांग माने वर्तमान मु पैराग्राफ रो फर्स्ट सेंटेंस पढिबा को जाउछि ध्यानपूर्वक सुनो। The national flag of India is a horizontal tricolor of a deep saffron at the top, white in the middle and dark green at the bottom in equal proportion. तो सांग माने फर्स्ट सेंटेंस रे प्रथम वाक्य रे मते संपूर्ण रूप रे तमनको कन्वे करा जाउची बा मु पढी तमनको संपूर्ण कन्वे करि परुची जे आ माने जातीय पताका विषय रे आलोचना करूचे एवं तार रंग विषय रे वर्तमान हम किछि कुहा जाउची। तो सांग मैंने मुझे यार ओडिया तुमको बुझेबी ना कहीं तुमको जेहेतु इंग्लीश रे पाराग्राफ लिखबार अच्छी तुम गणेश पूजा सरस्वती पूजा शिशु दिवस जहाँ भी तुमको कौन से एक्सीडेंट केस थी तुमको मन थी कौन से तुमको मैंने प्लांटेसन कौन से फुटबल मैच तुमने गोटे ना गोटे पाराग्राफ निजे निजे ट्राए कर लिखापी। ओके सेकेंड सेन्टेन्स कौन लिखा अच्छे इन द सेंटर अफ द व्हाइट बैंड इज ए नेवी ब्लू व्हील व्हिच हाज 24 स्पोक्स। तो सांग मैंने फर्स्ट पाराग्राफ रे आने संपूर्ण रूप से डिस्क्राइब करदे क्या नेशनल फ्लाग को। तो बर्तमान देखा आम सेकेंड पारा कौन लिखी सांग मैंने दि साफ्रन कलर इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री दि व्हाइट मिडिल बैंड इंडिकेट्स पीस एंड ट्रुथ दि ग्रीन बैंड शोज द फर्टिलिटी ग्रोथ एंड एस्पिक्यूसनेस ऑफ द लैंड The chakra shows that there is a life in movement and death in stagnation. The ratio of length of the flag to its width is 3:2. The diameter of the chakra approximates to the width of the white band. तो सांग मैंने ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा अच्छे से संपूर्ण रूप में मुझे कन्वे करनेली कही सांग मैंने पताका कथा रंग और मजतीय हुईल कथा। तो पताका और रंग हुईल को सांग मैंने संपूर्ण रूप से अर्थ सहित मीनिंग सहित गोटे यूनिटी की दर्शाई गोटे डिस्क्रिप्शन में कौन कली वर्णना करनेली तो संपूर्ण आम अंडरस्टैंडिंग होगा। तो सांग मैंने हार्डली तुमको देखा मिल मात्र 125-130 सांग मैंने वार्ड में गोटे पाराग्राफ बनई। तो सांग मैंने तो संपूर्ण पाराग्राफ तुम्हें बुझीपार कंक्लूजन मैंने कौन लिखा ना दि डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लाग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947। तो सांग मैंने द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लाग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आम संवैधानिक सभा द्वारा ग्रहण कर सांग मैंने तुमको मोर गोटे स्मॉल क्वेश्चन रहा जे आमर सांग मैंने नेशनल फ्लाग को किए से कहीपर डिजाइन करते कहीपर किए नेशनल फ्लाग को मैंने आक्ट करते किए बनते तुमको क्वेश्चन आज ए आर्ट नलेज आज ए जिके भाया तुमको मुझे क्वेश्चन पचारे सांग मैंने तुमने मतलब कमेंट सेक्शन आंसर लिख। हाँ सांग मैंने तुम्हें चाहब निजे निजे किसी ना कि पारा को ओडिया लिखी तक ट्रांसलेट कर इंग्लीश में कहीं सांग डायरेक्ट इंग्लीश लिखी कहीं तुमने बुझे ट्राए कर फास्ट दुटा सेन्टेन्स तुमको संपूर्ण मुझे कन्वे कर सेन्टेन्स भितर कहीपर संपूर्ण पाराग्राफ तुमको कौन कह जाऊँ। सांग मैंने आज थी तुमको बेसिक क्लास ए पार्ट्रे आम केवल ये डिस्कसन कले पाराग्राफ केमी लिखा एग्जाम्पल सहित नेक्स्ट चैप्टर सांग मैंने नेक्स्ट क्लास इंग्लीश क्लास आम डिस्कसन करवा संपूर्ण रूप से आम तुम बुक जहाँ भी की पॉइंट्स थे उठक आम आलोचना करापर आक्टिविटी को क्रस करवा। तो सांग मैंने तुम जाच जमीक आम संपूर्ण रूप से एजुकेशन इकोनोमिक लॉजिक पॉलिटिकल हिस्ट्री एस क्लास चली क्लास सहित सांग मैंने तुमको मुझे एमसीक्यू प्रोवाइड करुच्ची चैनल सब्सक्राइब कर सांग सब्सक्राइब कर पार्ब सेकेंड चैनल मोर आर्के सर इंग्लीश से चैनल मतलब सब्सक्राइब कर कहीं सांग मैंने तुमको जदि भी आज भी कौन से ग्रामर सेक्शन पढ़वे बुझे
मैंने प्रोब्लेम हो तार प्रथम कारण हो तुमने कौन सा प्राक्ट करूना तुमने सागर प्राक्ट करवाक पड़ो आमर आरके सर इंग्लीश चैनल सागर तुमको ओनली कंपिटेटिव लेवल इंग्लीश ग्रामर शो करवा मिले कहींपर देखा मिल आई होप सांग तुमने क्लीयरली बुझीपार चैप्टर टी क्लास टी तो सांग आज क्लास एंड कर बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद।